बालेश्वरी नाइट राइडर्स की तरफ से दो छलामी बल्लेबाज पिंटू और बल्लेबाजी करने के लिए और यहाँ पे पहला कैच छूटता हुआ काफी अहम ओवर हो सकता था, कॉटन बॉल यहाँ पे हो सकते थे लेकिन बाल बाल बचे। और वाइट करार दिया गया यहाँ पे एम्पायर याकित खान जी के द्वारा। और एक रन के लिए भागे हैं और पूरा किया एक रन यहाँ पे। और आपको बता दें फॉरेस्ट लाइन के ऑनर राकेश सिंह जी जो प्लेइंग 11 में आज खेल रहे हैं। और एक रन चुराना चाहते थे यहाँ पे लेकिन साथी बल्लेबाज ने मना किया। और फॉरेस्ट लाइन के और व्हाइट करार दिया गया इंपायर प्रेम राणा जी के द्वारा पहली गेंद को। और हमारे साथी कमेंटेटर उदय जी आगे मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर उदय चंद्रवंशी जी। व्हाइट बॉल इस तरह से एक और रनों में इजाफा कोलेश्वरी नाइट राइडर्स की टीम के खाते में जुड़ता हुआ। अब अभी भी दो सलामी बल्लेबाज हरमेंद्र सिंह जी एवं पिंटू कुमार जी जो काफी अच्छे बल्लेबाजी के रूप में जाने जाते हैं क्रीज पर भी बने हुए हैं। हवा में शॉट खेलना चाहते थे उस ओर फील्डर मौजूद और सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। दीपक यादव जी काफी अच्छे बैटिंग पहली इनिंग में किए थे और बॉलिंग में अभी तक अच्छी गेंदबाजी का नजारा करते हुए आज जिस तरह से शुरुआती दौर में जिस तरह से पहली इनिंग में फॉरेस्ट लाइन की तरफ से पंकज सिंह कावरतोल बैटिंग किए थे जिसकी वजह से यहां तक टीम का स्कोर 129 रन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने में कामयाब हुए। अगली बॉल आइटम ओवर द विकेट और इस तरह से काफी दबाव में खेल रहे थे। बेहतरीन पहला विकेट मिनस अंडरस्टैंडिंग के चलते पिंटू कुमार जी बिना कोई रन बनाए। सुपर किंग्स 11 के ऑनर बिल्कुल इस विकेट से खुश होंगे और काफी उम्मीदें बढ़ती हुई
क्या लगता है आपको? यकीनन यहाँ तक हमको महसूस हो रही है जिस तरह से आज फॉरेस्ट लाइन की जीत का जो दुआ कर रहे होंगे हमारे सुपर किंग्स इलेवन के तमाम दर्शक, जो आज फॉरेस्ट लाइन से ज्यादा समर्थक यहाँ पर किंग्स इलेवन के टीम के आए हैं। इस मैच का रोमांचक व्हाइट बॉल और एक नए बल्लेबाज आए हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। बाउंस बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, शुरुआती झटका लगता हुआ पिंटू कुमार के रूप में और दूसरे बल्लेबाज आए हैं और इस तरह से बोल्ड दूसरी विकेट का पतन होता हुआ और यहां पे दोनों ही टीम मजबूत स्थिति में, कालेश्वर यूनाइटेड और फॉरेस्ट लायन। खुद कप्तान महोदय आए हैं नवल किशोर जी, इस चाल से कई खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब न करते हैं। अरे बॉल है भाई, बॉल है, बस बस यही लाइन रखेगा। अच्छी बॉल, कलेश्वरी नाइट राइडर्स को जीत के लिए 130 रनों की जरूरत है और यहां पे कलेश्वरी नाइट राइडर्स चाहेगी अच्छी बैटिंग करके 130 रनों का स्कोर बनाने में। और एक अच्छी शॉट, उस पर फील्डर मौजूद, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस तरह से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, लीग का आखिरी मैच चलता हुआ, इसके बाद जो भी मैच होगी वो नॉकआउट रहेगी, जो भी टीमें हारेगी वो उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा सेमीफाइनल का मैच। और मिस फील्ड यहाँ पे हुआ, बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई गेंद चार रनों के लिए। इस तरह से 130 रन का स्कोर बनानी है और पहली शुरुआती में दो विकेट गंवा चुके हैं। और बिल्कुल उदय, बहुत ही काफी इनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी आज कप्तान नवल से, और उसी के तरफ बहुत ही उसी को जिम्मेवारी को संभालते हुए फिर से बॉल को लेकर उसके लाइक चार रनों के लिए, और एम्पायर याकित खान जी का इशारा चार रनों के लिए। अच्छी बैटिंग, दो बॉल पे दो चौको लगाकर टीम कैप्टन नवल सिन्हा जी, नवल सिंह जी। और एक और बेहतरीन शॉट चार रनों के लिए, टावर को तीन बॉल हुआ, तीन चौका लगाकर टीम का स्कोर बढ़ाता हुआ। और मानो उदय जैसा सोच के ही आए हैं कप्तान, सीधे भी लगाए हुए उनके दर्शक और उनके टीम ओनर्स तो उम्मीद पे खड़ा उतरता हुआ अभी तक। अच्छी बॉल, यॉर्क बॉल और उत्तीस सूझबूझ डबल का करते हैं, पर बल्ले से उन्होंने आज कोई खास कमाल नहीं कर पाए। देखना होगा कि बॉल से क्या कुछ कर पाते हैं। स्ट्राइक पे हैं, सिकंदर सिंह जी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, बॉलिंग पे अनुराग जी राइट हैंड ओवर द विकेट। और अच्छी शॉट चार रन के लिए, पहली बॉल पे चार रन बनाकर टीम का स्कोर 22 रन पहुंचता हुआ। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर चलता हुआ, कलेश्वरी नाइट राइडर्स चाहेगी कि जितने ज्यादा रन इस ओवर में बना पाए। हल्के हाथों से खेल के एक रन चुराने में कामयाब हुए, दूसरे रन लेना चाहते थे नवल टीम कैप्टन, पर साथी खिलाड़ी का साथ नहीं मिला जिसकी वजह से सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा टीम को। फर्स्ट लाइन के टीम के ऑनर्स आज जो राकेश सिंह और संतोष दांगी जी दोनों आज अपनी टीम के लिए इस अहम मुकाबले में खेलने के लिए उतरे हैं। और ये हवा में शॉट खेलना चाहते थे पर बल्ले पे अच्छी तरीका से नहीं आई बॉल, इस तरह से डॉट बॉल। कप्तान पंकज सिंह बॉलर को कुछ समझाते हुए,
यॉर्क बॉल, उस ओर फील्डर मौजूद दीपक यादव जी। मिस फील्ड कर के एक रन चुराने में कामयाब हुए, लेकिन वहां पे एक रन का ही संभावना था, पर मिस फील्डिंग के कारण दो रन कुलेश्वरी नाइट राइडर्स की खाते में जुड़ता हुआ। और इस तरह से हाथों में बॉल को छटकाते हुए पड़कर बाउंड्री लेन के बाहर चली गई बॉल, छह रनों के लिए बेहतरीन बैटिंग नवल टीम कैप्टन की तरफ से। सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेंगे। अच्छी बॉलिंग का शुरुआत, पंकज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम की ओर से, हर क्रीज में लगातार बने हुए हैं और ये हवा में आते हैं। दोनों ही टीम के सदस्य तैयार रहेंगे ड्रिंक ट्रॉली के लिए। काफी प्रयास बेहतरीन शॉट, उस फील्डर मौजूद ने चार रनों के लिए बेहतरीन शॉट। कर पाते हैं, पांच बॉल हो चुकी है, सॉरी चार रनों के लिए अच्छी बल्लेबाजी सिकंदर सिंह जी के द्वारा। एक 41 रनों का छठे ओवर की प्रगति पे। टीम कैप्टन नवल सिन्हा नवल सिंह जी उनको पवेलियन लौटने के लिए मजबूर कर दिए। अगले बल्लेबाज आए हैं, बहुत धन्यवाद। अंपायरिंग कर रहे हैं पूरे इस टूर्नामेंट में, काफी कुछ सीखने की दरकार है। अरे अच्छी चांस हो सकती थी, कर बॉल को डायरेक्ट हिट करने में ना करते थे। टीम का स्कोर 44। दिलीप सिंह जी पहुंच चुके हैं, काफी योगदान होता है, इससे कान्हा भी आगमन हो चुका है। इस मैच के बाद तुरंत राज चैलेंजर्स वर्सेस हरियो खान स्ट्राइकर्स का मैच होना है, काफी अहम मैच भी, वो भी मैच काफी अहम। और एक अच्छा रन आउट छोड़ दिए रन आउट करने का।
अच्छी फील्डिंग टीम ओनर राकेश सिंह जी के द्वारा, जो काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। फुल टॉस बॉल, और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का 6 रनों के लिए। फिर से एक लंबी शॉट, और सिमरन टाइल्स का इस तरह से 250 रुपया बच गया। अगर हैट्रिक छक्का लगाने में कामयाब होते तो 250 रुपये सिमरन टाइल्स की ओर से खिलाड़ी अभिजीत को दिया जाता। और इस तरह से हवा में उछाल के शॉट खेले, उसे फील्डर मौजूद आ रही है। अच्छी फील्डिंग डेंजर के द्वारा, 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अच्छी शॉट, वो सर फील्डर के रूप में बॉल बचा दिए। एक अच्छी शॉट हवा में, शॉट खेलते काफी लंबा अच्छा शॉट 6 रनों के लिए, क्रीज पे बने हुए हैं। फिर से एक अच्छा शॉट, इस ओर फील्डर मौजूद डेंजर के रूप में, और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस तरह से ओवर देखना होगा, इस ओवर में कितना रन बना पाते हैं। अच्छी बॉल है, वो सर फील्डर मौजूद नहीं, 4 रनों के लिए। हवा में शॉट उछाल के खेल दिए हैं, उस ओर फील्डर खुद मौजूद, और एक अच्छी कैच। अच्छी बैटिंग, उस ओर फील्डर मौजूद। इस तरह से सिर्फ 1 रन। हवा में झूला कर खेल रन बना पाते हैं, और ये हवा में उछाल के शॉट खेल दिए हैं, उसे फील्डर मौजूद खुद, और इस तरह से कैच आउट। नए बल्लेबाज गौतम सिंह जी, अच्छी फील्डिंग का नजारा राकेश सिंह जी के द्वारा, 2 अहम रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए बेहतरीन फील्डिंग, बैट लगाकर 12 बॉल में। बॉलिंग एंड पे है डेंजर, और इस तरह से कोर विकेट का पतन। लेकिन अभी भी क्रिकेट जैसा अनिश्चितताओं का खेल, अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, अच्छी शॉट, अभी भी 9 गेंदे से टीम को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत। अच्छी बॉलिंग करते हुए डेंजर, एक और डॉट,
इस तरह से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए हैं, देखना होगा क्या कि क्या कुछ कर पाते हैं। इस तरह से अच्छी विकेट कीपिंग।